जादू म्यूजिक इस बढ़ती हुई जनसंख्या को भी रोकना है। यदि कहीं पर ही दो बच्चे बुलाए जाए तो बहुत बच्चे आ जाते हैं, कहीं पर दो वैकेंसियां हो तो वहां लाखों आवेदन हो जाते हैं, क्योंकि उस बढ़ती हुई जनसंख्या का नतीजा है। इसलिए हमें इस पर भी ध्यान देना है। तो बेटा आपका नाम क्या है? दीपांशु। और आपका 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 अथर अथर आप लड़का है कि लड़की? लड़का। आपको कैसे पता कि आप लड़का? किसी ने बताया? नहीं बताया। बताइए कितनी बड़ी गई शादी हो गई, बताना चाहिए। मम्मी पापा ने भी नहीं बताया। चलिए पूछिएगा आपका नाम जी। आप लोग सब बच्चे यहाँ पर आए हैं, देखिए जादू का कार्यक्रम है, तो हम जादू के कार्यक्रम के साथ साथ कुछ कार्यक्रम आपके साथ मिलकर भी दिखाएंगे। फिर एक बॉक्स है और उस बॉक्स के साथ आप लोगों का जादू होगा। म्यूजिक सोचते हैं मन के अंदर। आप लोगों ने टॉपी सोची और टॉपी बनकर देगी। आपको जो पांच पांच टॉपियां दी गई हैं जाकर के छोटे बच्चों को नीचे जाकर उनको भी देना है। छोटे बच्चे कहेंगे जो नीचे बैठे हैं हमको कुछ नहीं मिला। ठीक है तो भैया आप पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? यूकेजी। पढ़ लिख कर आप पढ़े होंगे, क्या करेंगे? अपना विद्यालय पहले से ढूंढ रहे हैं। आपके घर से कोई आया है? मम्मी अम्मा दादी अम्मा नाती बड़ा हो गया आइए ऐसे हो जाएगा। आप भी पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? फोर। पढ़ लिखकर आप भी बड़े होंगे, आपकी भी शादी होगी। शादी होने के बाद क्या करेंगे जी? आर्मी में जाएंगे। जोरदार तालियां आर्मी में जाएंगे। और नेक इरादा, इन प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। आप लोग अपनी जगह बैठ जाएं तो जादू के कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। पहले जमाना हमारा करता था, जब थोड़ी सी बिजली में हमारा काम चल जाया करता था। ध्यान से देखिएगा तो स्टोरी के साथ साथ जादू। पहले का जमाना हुआ करता था जब हमारे घर में एक छोटा सा पंखा हुआ करता था, कोई कूलर टीवी एसी नहीं हुआ करता था, और छोटी सी बिजली में काम चल जाता था और बहुत छोटा सा बिजली का बिल भी आता था। लेकिन इस बढ़ते हुए आधुनिक जमाने में जैसे हम आगे बढ़े, हमारे घर में पंखा या पंखे के बाद बिना कूलर के नींद नहीं आती। तो जो बिल हमारा इतना आया करता था और जब हमने घर में कूलर का यूज किया तो वही बिल हमारा इतना आ गया।
सही जो जाता है इसके बावजूद कूलर के साथ साथ आगे हमारा आधुनिक युग और आगे बढ़ा। फिर ये हुआ कि बिना एसी में तो काम चलने वाला है ही नहीं। हम भी जब कल यहाँ पर आए तो हमको एसी ने रूम दिखाया, हमने कहा भाई इससे अच्छा तो होटल में लोग जाते, बोले भाई साहब एसी लगी है, कहा चले गए। तो बिना एसी के काम चलने वाला है ही नहीं है। तो जहाँ वो 250 ग्राम पिला रहा था, फिर वो आपने देखा कि 500 ग्राम आने लगा, अब वही पिला के जा करके 7.5 किलो आया। एसी अब लाइट से यहाँ बड़ी बड़ी मोटरें चल रही हैं, बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, घर में मिक्सियां आ गए, लाइट के बहुत सारे यंत्र आ गए, तो पूरा पूरा समथिंग समथिंग 1000 के भी ऊपर क्रॉस हो गया। अब आप ये बताइए कि जितनी जरूरतें हैं क्या इन जरूरतों को रोका जा सकता है? क्या बिना पंखे के सोया जा सकता है, बिना लाइट के रहा जा सकता है? लेकिन एक चीज कि जैसे अभी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जल ही जीवन है, जल है तो पलक है, जल बचाओ। पहले लोग एक लोटे में अपना टूथपेस्ट कर लेते थे, जब से टंकी घर में लग गई तो एक घंटे में ब्रश साफ होती है, यानी 11 लीटर पानी लगता है केवल हमको ब्रश करने में, चाहे एक लीटर लगता। इसी तरीके बिजली में हम लोग बैठे हैं एक पंखे के नीचे, चारों तरफ के पंखे चालू हैं, चारों तरफ के बल्ब चालू हैं, यदि हम चाहें तो उसको बचा सकते हैं। लाइट को हमें बचाना भी है, और यदि आप चाहते हैं कि हमारा घर में लाइट भी चले, कूलर भी चले, सब कुछ चले और बिल कम आए, बिल तो आदमी चाहता है इतना, क्यों साहब गलत तो नहीं, बिल तो आदमी चाहता है इतना, लेकिन जरूरत उसकी इतनी है, तो क्या इतनी जरूरतों को बिजली के इतने बिल में रोका जा सकता है? तो फिर आप सोचेंगे विकल्प क्या है, मीटर की चोरी करिए, ये करिए, वो करिए, कुछ नहीं करना, आपके सामने सोलर ऊर्जा ही है। यदि आप सोलर ऊर्जा को अपनाते हैं तो ये मिसाइल के माध्यम से दिखाता हूं इतने बिल को इतने बिल में कैसे रोका जा सकता है। मुझे उपयोग को नहीं रोका, हमने केवल अपना विकल्प ढूंढा है सोलर ऊर्जा के रूप में, क्योंकि विकल्प से ही आजकल बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और ये जो रेगा विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण के अंतर्गत ये 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। Chalo, 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 ch
छोड़ गया तो संकल्प हमारा टूट गया, अब आपके नवीनीकरण जो सौर ऊर्जा के लिए, चूंकि कभी ना कभी अपनाना पड़ेगा, जब लाइट वालों की तरफ हमारा भी दिमाग जाता है ना, तो ये कहते हैं इससे अच्छा तो सौर ऊर्जा है, लाइट वालों वहाँ बिल्कुल पीछा छोड़ जाएगा, बिजली वाले का यह चलान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और यदि हम लोग सब लोग सौर ऊर्जा लगवा लेते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा घर परिवार आर्थिक रूप से भी मजबूत रहेगा और प्रदूषण से बचेंगे। इसके साथ साथ सौर ऊर्जा के लिए हमारे पास कई सारे सरकार की योजनाएं भी हैं, उसका भी फायदा ले सकते हैं, कम बजट में भी लगवा सकते हैं, किस्तें करवा सकते हैं, किस्तें भर करके। लेकिन लाइट विभाग में कोई किस्त नहीं है कि आपका मीटर किस्तों में लग जाएगा। यदि एक भी घर छूट गया सौर ऊर्जा से तो संकल्प हमारा टूट गया। साथी शुक्ला बहन, ये बताओ चालू साल को डर लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल बात खाएंगे, डर नहीं लगता। फिर जोर डाकता ही देखिए कहा गया है, जो डर गया समझो वो मर गया। और हमारे देश में जहां महिला सशक्तिकरण के प्रति हमारी सरकार भी जागरूक है, कहा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हमारी बहनों को सम्मान तो चाहिए लेकिन डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि यही बेटी इस देश के भाग्य विधाता है और इन्हीं बेटियों ने इस देश में इतिहास रचा है। इसलिए बेटियों के नाम पर जोरदार तालियां। साक्षी शुक्ला जी के साथ 21वीं शताब्दी का ऐसा चमत्कार, 21वीं शताब्दी का ऐसा चमत्कार जिसके लिए आज से हजारों हजारों वर्ष पूर्व पहले से बड़े बड़े संत ऋषि मुनि आज हजारों वर्षों से तपस्या करते हुए चले आ रहे हैं। असंभव असंभव ने तो से
कोई परेशान है, आपके साथ कोई आया? मैं सोचा सर अच्छी याद है, आपको देखा तो एक गिलास पानी पिलाएगा ऑटोमेटिक समझ में आता है। ठीक है, साक्षी बहन के नाम पर जोरदार ताली। देखिए जादू और जादू के साथ साथ हमें लाइट भी चाहिए, खाना भी चाहिए और पानी भी चाहिए। और बच्चों की पढ़ाई में लाइट का बड़ा महत्व होता है। यदि हमारा एग्जाम है और लाइट ना हो तो हमारे पास उपाय क्या बचता है? इन्वर्टर बचता है। इन्वर्टर भी ना हो तो शायद उपाय हमारे पास कुछ नहीं बचता। यदि लाइट दोस्तों ये हमारे पास एक क्वाइन है जिसमें साथियों ये लाइट और लाइट के साथ साथ हमारे पास बचा केवल खाना और पानी। और यदि लाइट चली गई तो बड़ी बेचैनी महसूस होती है। और यदि लाइट चली गई और लाइट को हम कहाँ ढूंढेंगे? लाइट चली गई पावर हाउस और जब वहाँ से चालू होगी तभी लाइट आएगी। लेकिन तब तक का उपाय क्या है? हमारे पास यदि खाना पानी उपलब्ध भी है, लाइट नहीं है तो अंधेरे में हम नहीं खा सकते। यदि सौर ऊर्जा का प्लांट हमारे घर में लगा है तो जैसे ही लाइट चली जाती है और हम बोलते हैं रेडी वन टू थ्री तो सौ ऊर्जा के जैसे बटन दबाते हैं वैसे ही पुनः लाइट हमारे घर में वापस आता है। तो साथियों दोस्तों क्योंकि समय बहुत कम है और ये तो बहुत सारे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा। और यदि आपके विभाग के द्वारा कभी मौका मिला निश्चित रूप से पूरा आप